अभी आपको बताएं कि लाहौर में अमीर बलाज टीपू के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। सीआईए टीम ने मकतूल के दरीना दोस्त एहसन शाह को अमीर बलाज की इंफॉर्मेशन देने के इल्जाम में हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक एहसन शाह ने अमीर बलाज की रेकी करने के एवज 50 लाख रुपए लिए। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे जहांगीर खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जहांगीर, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? अरे जो एहसन शाह है गुज़िश्ता 10 साल से अमीर बलाज के करीबी दोस्त थे और वकूआ के रोज ये उमरा की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद थे, जिसका इन्होंने एतराफ भी किया है। और लेकिन पुलिस को ये शुबा है कि अमीर बलाज की रैकी और तमाम का जो इंफॉर्मेशन है वो इनके करीबी दोस्त एहसन शाह ने ही जो मुलजिमान है उनको फराहम की थी और इसके एवज 50 लाख रुपए लिए थे। लेकिन अभी इस पर तफ्तीश जारी है। एहसन शाह के अलावा पुलिस ने एक और किरदार को हिरासत में लिया है जिनका नाम मलिक सुहेल बताया जाता है। और ये सुबह जाहिर किया जा रहा है कि मलिक सुहेल ने एहसन शाह की मुलाकात जो है वो फायरिंग में मुलव्वस मुलजमान के साथ करवाई थी। लेकिन अभी इन तमाम पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। सीआईए पुलिस अब तक एहसन शाह, सुहेल और समेत 4 अफराद को हिरासत में ले चुकी है। जो दूसरे 2 अफराद हैं उनकी शनाख्त अभी जाहिर नहीं की जा रही, लेकिन मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद जो है पुलिस का दावा है जल्द इस केस का जो असल हकायक है वो सामने लाए जाएंगे। ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए।